sharp. नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। गांव किसान कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम गांव किसान में हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स के जरिए कुछ अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। खेती किसानी में क्या कुछ खास है हम आपको बताएंगे, पशुपालन से संबंधित जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाएंगे और फिर मुलाकात करवाएंगे हमारे कामयाब किसान से। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, अमरूद की खेती की हम बात करते हैं तो ये देश भर में की जाती है। लगभग बहुत बड़े क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है हमारे देश में और इसके बाग लगाने का सही समय रहता है जुलाई अगस्त। लेकिन इसकी अच्छी उपज आपको तभी मिल सकती है, मुनाफे का सौदा ये आपके लिए तभी बन सकता है जब आप इसकी अच्छी किस्म का चयन करेंगे, पहले ही तैयारियाँ कर लेंगे और जब आपने पौध लगा ली है उसके बाद भी बेहतर तरीके से देखभाल करेंगे। तो फिर आइए अमरूद की खेती करने का बेहतर तरीका क्या है बताते हैं आपको हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी में। अमरूद की बागवानी पूरे भारत में की जाती है। विटामिन सी पैक्टीन के साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर इस फल को आसानी से घर के आंगन से लेकर खेतों की बाड़ और बागों में उगाया जा सकता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अमरूद की खेती अधिक तापमान, गर्म हवा, बारिश, लवणीय या कमजोर मृदा, कम जल या जल भराव की दशा से अधिक प्रभावित नहीं होती है। ये सख्त किस्म की फसल है और इसकी पैदावार के लिए हर तरह की मिट्टी अनुकूल है, जिसमें हल्की से लेकर भारी और कम जल निकास वाली मिट्टी भी शामिल है। इसकी पैदावार 6.5 से 7.5 पीएच वाली मिट्टी में भी की जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए इसे गहरे तल, अच्छे निकास वाली रेतीली चिकनी मिट्टी से लेकर चिकनी मिट्टी में लगाना चाहिए। बेहतर उत्पादन के लिए इसकी उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए, जैसे इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, चित्तीदार, एप्पल कलर, ललित, अर्का मृदुला, श्वेता, पंजाब किरण। ऐसे करें खेत तैयार। खेत की दो बार तिरछी जुताई करें और फिर समतल करें। खेत को इस तरह तैयार करें कि उसमें पानी खड़ा ना रहे। रुपाई का समय। अमरूद का बाग लगाने के लिए सबसे पहले इसके पौधे नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। इसके बाद इन तैयार पौधों को खेत या बाग में रोपा जाता है। रुपाई का सबसे अच्छा समय जुलाई अगस्त का होता है, लेकिन यदि सिंचाई की बेहतर सुविधा हो तो फरवरी मार्च में भी रुपाई का काम किया जा सकता है। पौधे की रुपाई करने के लिए पहले 60 सेंटीमीटर चौड़े, 60 सेंटीमीटर लंबे और 60 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे को तैयार करें। इसमें 20 से 25 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 250 ग्राम सुपर फॉस्फेट और 40 से 50 ग्राम मिथाइल पैराथियन पाउडर को ऊपरी मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को भर दें। मिट्टी सतह से 15 सेंटीमीटर ऊपर तक भरे। इसके बाद मिट्टी पर सिंचाई करें। गड्ढों में मिट्टी पौधा लगाने के 15 से 20 दिन पहले भर देना चाहिए। गड्ढे का आकार 60 सेंटीमीटर चौड़े, 60 सेंटीमीटर लंबे और 60 सेंटीमीटर गहरे। 20 से 25 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 250 ग्राम सुपर फॉस्फेट, 40 से 50 ग्राम मिथाइल पैराथियन दवा मिलाएं। इस तरह तैयार गड्ढों में नियत समय पर पौधों की रुपाई करें, साथ ही हल्की सिंचाई भी करें। इस फसल में वैसे तो ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। शरद ऋतु में पौधे की सिंचाई 15 दिन के अंतराल पर और गर्मियों के मौसम में 7 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए। खरपतवार का नियंत्रण। अमरूद के खेतों में 10 से 15 दिनों के अंतर पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकालते रहना चाहिए।
बारिश के मौसम में इस बात का खास ख्याल रखें कि बाग में अनावश्यक पौधे ना उग पाए। कीट और रोग नियंत्रण। अमरूद में कीड़े की समस्या बारिश के मौसम में ज्यादा देखी जाती है। ऐसे में कीटों के प्रकोप से बचने के लिए नीम की पत्तियों के उबले पानी का छिड़काव करना चाहिए। वहीं अमरूद में उखटा रोग, तना कैंसर रोग के लक्षण दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए। पौधे की छटाई। पौधों की मजबूती और सही वृद्धि को बनाए रखने के लिए तने की हल्की छटाई करनी जरूरी होती है। इसकी कटाई हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करनी चाहिए। इस तरह से कटाई के बाद नई टहनियों से ज्यादा फलोत्पादन की संभावनाएं रहती है। फलों की तुड़ाई। पौधारोपण के 2 से 3 साल बाद अमरूद के फल लगने शुरू हो जाते हैं। तैयार फलों का रंग हरे से पीला होना शुरू हो जाता है। फलों की तुड़ाई सही समय पर कर लेनी चाहिए। फलों को ज्यादा पकने नहीं देना चाहिए। तो जाना आपने अमरूद की खेती के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको हमारा अगला सेगमेंट हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? पता नहीं तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसका विषय हम आपको बता दें है गर्मी का मौसम और भैंस पालन। गर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, तापमान में भी हम बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से हम अपनी देखभाल करते हैं, हमारे पशुओं की देखभाल करना भी उतना ही ज़रूरी है। और यदि आप भैंस पालन से जुड़े हुए हैं तो आपको बता दें कि इस गर्मी के मौसम में किस तरह से आप अपनी भैंसों की देखभाल कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें स्वस्थ बनाए रख सकते हैं और इससे अच्छे से अच्छा लाभ ले सकते हैं। आइए नजर डालते हैं हमारे इस सेगमेंट पर। भैंस एक बहुउपयोगी पशु है जिसमें हमें कई तरह के लाभ होते हैं, जैसे दूध, मांस, खाल और कृषि कार्य में सहयोग मिलता है। इसीलिए इनकी संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। भैंस पालन में आहार पर ज्यादा खर्च नहीं करना होता है। इसके अलावा भैंस साधारण पशु, चारे या फसल अवशेष को भी बेहतर पशु उत्पादों में बदलने की क्षमता रखती है। भारत में करीब कुल दूध उत्पादन की पूर्ति में से 54% भैंस से ही मिलता है। साथ ही भैंस खेती कार्यों में उपयोग होने वाली पशु शक्ति में लगभग 30% योगदान देती है। इतने सारे मुनाफे देने वाले पशु को बदलते मौसम में खास देखभाल की जरूरत होती है। भैंसे वातावरणीय गर्मी के प्रति बेहद संवेदनशील होती है, जिसकी वजह इनकी त्वचा का काला रंग है। इनकी त्वचा में पसीना निकालने वाली ग्रंथियों की कम सघनता और त्वचा का अधिक मोटा होना है। इसीलिए भैंसों का तापमान नियंत्रण तंत्र शरीर का तापमान नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता है। वातावरण में तापमान में वृद्धि के साथ साथ इनके शरीर का ताप भी बढ़ने लगता है, जिससे इनकी खुराक और उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। ऐसे में पशु की शारीरिक क्रियाओं पर नजर रखें, जिससे गर्मी के कारण होने वाले तनाव के बारे में समय से जानकारी मिल सके। जैसे पशु ज्यादा समय तक खड़ा ना रह पा रहा हो, मुंह खोलकर सांस लेना, दैनिक खुराक में कमी हो जाना, पानी पीने की क्रिया बार बार दोहराना, मूत्र की सांद्रता बढ़ जाना, पानी के आसपास पशुओं की संख्या बढ़ना, मुंह से ज्यादा लार टपकना, दूध उत्पादन में कमी होना, पशु के भार में भी कमी होना, समय से पहले बच्चे का जन्म होना,
इन समस्याओं से बचने के लिए पशुपालकों को चाहिए कि पशुओं के आवास और आहार पर खास ध्यान देने की जरूरत है। पशु को पोषण युक्त और ताजा आहार दें। पशुओं को चारा देते समय सही समय का चुनाव करें। समय समय पर पानी पिलाते रहे। दूध निकालने के बाद ताजा आहार जरूर दें। पशुओं को छायादार स्थान में बांधें। आवास में गर्मी से बचाव के इंतजाम करें। संभव हो तो पशु को दिन में दो बार नहलाएं। भैंस पालन से भरपूर दूध उत्पादन लेने के लिए आहार कुछ इस तरह का दें। संतुलित आहार बनाने के लिए 35% दाना, मक्का, जौ, गेहूं, बाजरा, 32 किलो खली, सरसों की खल, मूंगफली की खल, बिनौला की खल, अलसी की खल, 35 किलो चोकर, गेहूं का चोकर, चना की चूरी, दालों की चूरी, राइस ब्रेन, 1 किलो नमक। पशुपालन में बेहतर सफलता पाने के लिए जानकारियों का होना बेहद जरूरी है। यदि कोई पशुपालक इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें अपने क्षेत्र के पशुपालन विभाग से संपर्क करना चाहिए। विभाग से मिली जानकारी के आधार पर व्यवसाय में होने वाले जोखिमों को कम किया जा सकता है, साथ ही अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। गांव किसान कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। इस समय में कौन से प्रबंधन कार्य आपको अपने पशुओं के लिए करना है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो फिर आइए इसके लिए नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। मच्छर मक्खी जैसे बाह्य परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से करें। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान दें। जरूरत होने पर चिकित्सक की सलाह पर पशु के दूध, मूत्र, खून आदि की जांच करवाएं। आने वाले महीनों में पशुओं को पर्याप्त हरा चारा मिलता रहे, इसके लिए ज्वार, मक्का, लोबिया, सौरगम, बाजरा और सूडान जैसे हरे चारे की बुआई करें। पहले बोए गए हरे चारे जैसे बरसीम, जई आदि की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। हर मौसम में खिलाया जाने वाला चारा जैसे हाइब्रिड नेपियर, गिनी घास इत्यादि की रोपाई पहले से तैयार किए गए खेतों में करें। गर्मी के मौसम में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए हरे चारे से साइलेज तैयार करें। पशुओं को उनकी शारीरिक स्थिति व आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण दें। एक पशु को 30 से 50 ग्राम खनिज लवण प्रतिदिन देना चाहिए। इस मौसम में पशुओं को खुरपका, मुंहपका, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों से सुरक्षा देने के लिए टीकाकरण कराएं। तो पशुओं की देखभाल आपको कैसे करनी है, इसके बारे में अभी आपने जान लिया। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे कामयाब किसान से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया, तुम्हें मुझसे अधिक खुफियों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर, देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करने का हमारे कामयाब किसान से, जिनका नाम है लक्ष्य डब्बास। बता दें आपको कि इन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है और उसके पश्चात ही इन्होंने ठान लिया था कि खेती किसानी के कार्य से ही जुड़ेंगे। आज ये सब्जियों के साथ साथ अनाजों की पैदावार भी करते हैं, मल्टीलेयर खेती करते हैं, अंतर फसली खेती करते हैं, जिससे ये काफी फायदा भी उठा रहे हैं।
रहे हैं, सफल हुए हैं और अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। हरियाली से भरे ये खेत किसे नहीं लुभाते, यही वजह है कि ज्यादातर युवा वर्ग उच्च शिक्षा लेने के बाद खेतों की तरफ मुड़ रहे हैं। उनके इस कदम से खेतों को भी लाभ मिल रहा है और युवाओं को भी। युवा वर्ग नई तकनीकों को अपनाकर कृषि को नया रूप देने में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक युवा किसान है लक्ष्य डबास, जिन्होंने पढ़ाई करने के बाद प्राकृतिक खेती शुरू की। दिल्ली के युवा किसान लक्ष्य डबास 10 एकड़ खेत में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। स्नातकोत्तर की डिग्री लेने के बाद लक्ष्य ने कृषि में भविष्य बनाने की ठानी। हालांकि उनके परिवार में पहले से खेती की जाती थी, लेकिन उनके परिवार ने कभी भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया। इसकी महत्ता लक्ष्य को पढ़ाई के दौरान भी हुई और उन्होंने भी इसे एक कदम आगे बढ़ाने का सोचा। हालांकि लक्ष्य के लिए खेती का काम नया था, इसके लिए उन्होंने धीरे धीरे जानकारी जुटानी शुरू की और खेत की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उनके ये कदम और अच्छे मुकाम पर है। आज लक्ष्य अपने खेतों में करीब 45 किस्म की सब्जियां उगा रहे हैं, साथ ही अनाज का उत्पादन भी कर रहे हैं। फसलें उगाने में वो मौसम का और प्राकृतिक खाद का खास ख्याल रखते हैं। वो चाहते हैं कि उनके खेतों से जिन घरों में उपज जाती है वहाँ की पूरी थाली ही प्राकृतिक आहार वाली हो। हमारे फादर ने बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन को बाईपास कर दिया, तो इस जमीन पे जहाँ हम हैं अभी जटखोड़ में, यहाँ पे कभी केमिकल यूरिया पेस्टिसाइड डाला ही नहीं। तो यही था हम अपना, जब मैंने पढ़ाई करी तो मुझे वैल्यू पता लगी ऑर्गेनिक फार्मिंग की, और ये पता लगा कि कितना बड़ा हमारी एग्रीकल्चर को और हमारी हेल्थ को, कस्टमर्स की हेल्थ को कितना बड़ा प्रॉब्लम है और कितनी रिस्क है। तो उसी के अंदर मैंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी और लगा कि इसके अंदर फ्यूचर है। लक्ष्य ने अंतर फसलें लगा रखी है, इसके साथ ही वो मल्टी लेयर खेती को अपनाते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह फसलें एक दूसरे को परस्पर सहयोग करती है, इससे फसलों की रोगों और कीटों से भी रक्षा होती है। हम बहुत सारे ट्रायल करते रहते हैं, जैसे कि अभी हमने बरसातों के मौसम में जो एक ही पैच के अंदर हमने बांस गाड़ के स्ट्रक्चर तैयार कर रखा था, जमीन के अंदर हमने अदरक अरबी इस टाइप की सब्जियां बो रखी थी, जमीन के ऊपर हमने 6 इंच तक की लीफी वेजिटेबल्स तैयार कर रखी थी, जैसे कि पालक हो गया, चौलाई हो गई, और हमने फिर उसके साथ में ही डंडे गाड़ रखे थे जिसपे हमने घिया तोरी की बेल चढ़ा दी थी, और दो क्यारियों के बीच में हमने मूंग दाल या मसूर दाल इस टाइप से हम कोई दाल बो देते हैं। तो इसमें हम एक ही पैच से 4 फसलें एक साथ ले लेते हैं और ये चारों फसलें एक दूसरे से न्यूट्रिशन की कंपटीशन नहीं करती है, एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जिससे वो सारी ही एक दूसरे को फायदा देती है। फसलों को सुरक्षा देने के लिए प्राकृतिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही फेरोमोन ट्रैप लाइट ट्रैप लगाते हैं। वो मानते हैं कि खेती में प्रयोग की काफी संभावनाएं मौजूद है। किसान अपनी जरूरत के हिसाब से नए आविष्कार कर खेती के कार्यों को सरल बना सकते हैं। लक्ष्य ने भी नराई के लिए खास उपकरण बनाया है। इसके अलावा वो बीजों को सीधे खेतों में नहीं बोते बल्कि पहले उसकी नर्सरी तैयार करते हैं। वो मानते हैं कि सीधी बिजाई से जिन बीजों का अंकुरण नहीं होता उससे भूमि का कुछ हिस्सा खाली रह जाता है, जबकि नर्सरी तैयार करने से इस समस्या से बचा जा सकता है। इसके अलावा इस तकनीक से खरपतवारों पर भी काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। लक्ष्य अंतर फसलें लगाकर भूमि के हर हिस्से का करते हैं इस्तेमाल। मल्टी लेयर खेती करके कई गुना लाभ कमा रहे हैं। खेतों में सीधी बिजाई नहीं करते। नर्सरी तैयार करके रोपण करने से मिलता था ज्यादा लाभ। लक्ष्य अपने खेतों तक ही सीमित नहीं है बल्कि देश भर के विभिन्न हिस्सों के किसान उनके लिए खेती कर रहे हैं। करीब 15 राज्यों के 55 किसान उनके संपर्क में हैं, जो खेती करते हैं और उपज लक्ष्य को देते हैं। लक्ष्य इस उपज को प्रोसेस करके बाजार में बेचते हैं, इस तरह उनका दायरा बढ़ रहा है। आज लक्ष्य के पिता को इस बात की संतुष्टि है कि उनके परिवार के साथ साथ उनसे जुड़े परिवार बिना रसायन वाला शुद्ध भोजन ग्रहण कर रहे हैं। वो बताते हैं कि साल 2000 से थोड़ी बहुत जानकारी लेकर खेती को शुरू किया
और उनके बेटे ने इसे आगे बढ़ाकर यहां तक ला खड़ा किया है। लक्ष्य ने अपनी कड़ी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है, इसे वो बाकी युवा किसानों से साझा करते हैं। वो चाहते हैं कि देश का युवा कृषि में सुनहरा भविष्य बनाए। इसके लिए लक्ष्य बकायदा कार्यशाला आयोजित करते हैं, ताकि ज्ञान और जानकारी का लाभ बाकी किसानों को भी मिल सके। तो ये थे हमारे आज के कामयाब किसान। हम उम्मीद करते हैं इनकी कामयाबी को देखकर, इनकी कामयाबी के सफर को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित होंगे और खेती किसानी को और भी अधिक उन्नत जरूर बनाएंगे। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक जानकारी आपको दे दें, दोबारा आप ही हमारा कार्यक्रम देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर और देख सकते हैं हमारा कार्यक्रम गांव किसान और खेती किसानी पशुपालन से जुड़ी अहम जानकारियां पुनः हासिल कर सकते हैं। तो बस हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।